हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश, आई एम आवर फिजिक्स कोच। तो आज आम काइनेमेटिक्स स्ट्रेट लाइन समझे कि प्रोब्लेम करवा तेणु आम आज टॉपिक हूँ प्रोब्लेम्स ऑन काइनेमेटिक्स। तेनाली काइनेमेटिक्स प्रोब्लेम करने पूर्व जानवा ये कौ कौ फर्मुला आम आग यूज कर तेणु आम प्रथम फर्मुला है जो काइनेमेटिक्स भि इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जोटा आम इक्वेशन मोशन आम पढ़ी सारे देन आमर आस इज इक्वाल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देन अनदर इज वि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वाल टू टू एस एंड द लास्ट वन इज एस एन एफ इज इक्वाल टू यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। तो आज आम ये चारोटी फर्मुला को लेकिन आम कि प्रोब्लेम्स करवा तेल चल आम देखिए आम प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी तेणु तेल एम फास्ट क्वेश्चन को जी आमर फास्ट क्वेश्चन हूँ देखा आमर क्वेश्चन ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 73.5 मीटर हाई। कैलकुलेट हाउ हाई द स्टोन विल राइज अबव द टॉप ऑफ द टावर, द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। तेनालीर तीन टा क्वेश्चन देते हाइट पर्यटन मैक्सीम जा स्टोन टा देन जो डाउनफल कर टाइम के ग्राउंड जो टाइम टच करते तार वेलोसिटी के तेनाली तीन टा जिन काढ़ फास्ट आम कौन करवा डाटा गुड़ाक मेनसन कर कौन कौन डाटा देना वेलोसिटी दे इज इक्वाल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। टावर हाइट दे दीजिए एच इज इक्वल टू 73.5 मीटर देन एठी हम कौन करिया फास्ट वेटर आंसर आबे फास्ट वेटर हमर कहू छी जे यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड एति की हम वेलोसिटी ताको थ्रो करछे तनो से जते बले एंड पॉइंट रे पहुंचे गोटे मैक्सिमम हाइट रे पहुंचे जे तोटे अपवर्ड मोशन करू छी देन एट द हाईएस्ट पॉइंट the final velocity must be zero, that's why v is equal to the final velocity is equal to zero. हम पचास हाइट बाहर करने को रिलेसन यूज करवा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वाल टू टू एस। ये गोटे जिनस देखा जेहतु ये अपवर्ड मोशन करुच्ची एक्सिलेरेसन कौन हम ना एक्सिलेरेसन ड्यू टू ग्राविटी ए इज इक्वाल टू जि सिंस द बडी गोज अपवर्ड that's why it is in the opposite direction of acceleration due to gravity or gravitational force, that's why a is equal to minus g. that means it a ka hela hamara minus g hela tano seti hame lekh paya minus 9.8 meter per second square eta hame put karibe tano v square v is equal to 0 ro square minus the square of 9.8 then 2 minus g एच टू माइनस जी एच माइनस जी आम लिखा कौन माइनस 9.8 माइनस टू इंटु 9.8 एच तमर आंसर आस माइनस 9.8 इंटु 9.8 टू माइनस टू इंटु 9.8 इंटु एच गोटे 9.8 आ गए 9.8 बोथ साइड रू कैंसल करवा नेक्स्ट आमर आस एच इज इक्वल टू 4.9 मीटर यहाँ हम मैक्सिमम हाइट जोटी आम इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट आम कौन द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड तेनालीर टाइम टाक कैलकुलेसन करवा जो टाइम से ग्राउंड को टच कर जो ग्राउंड को टच कर मन कर हाईएस्ट पॉइंट जो मोशन स्टार्ट कर यू थी कैसे जो वेलोसिटी रे अपवर्ड मोशन करता से वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन कर डाउनवर्ड मोशन कर 9.8 मीटर पर सेकेंड तेनाली यू ना माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड एस आम गिवन दे 73.5 मीटर आउ एडी जो डाउनवर्ड मोशन कर इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी पॉजिटिव जी तेनाली ओनली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताले एटा को पुट करिवा एडी प्लस जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
पहले हमें को रिलेशन यूज करिवा ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तले एठी हमें कोन नबा s टाइम इन इज ऑलरेडी 73.5 u हे गेला हमर 9.8 * t प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर तर एठी हमर आसे जीव कते 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी माइनस 73.5 इज इक्वल टू 0 एटा हमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जारा हमें सॉल्यूशन जे तरह काढला फैक्टराइज हो बा हमर फार्मूला जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 एसी फार्मूला यूज करिवा सेमित रूपे हमें पाई पाया तनो हमें बोथ साइड रे बतन काम करबा एटी 4.9 इजी मेथड करिया पे इजी मेथड रे हमें 4.9 डिवाइड कर देल सब करे तनो एटा 4.91 हे गेला टी स्क्वायर माइनस एटी 2t एटा इज हमर 50 इज इक्वल टू 0 अब बता हमें फैक्टराइज मेथड को पाई पाया तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 द कॉमन इज दैट टी फर्स्ट दीटा टर्म को टी टा कॉमन गले टी माइनस 5 प्लस 3 कॉमन गले टू टी माइनस 5 तो ना हमरो फैक्टराइज हे के असला टी माइनस 5 इनटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 टी रो दीटा वैल्यू असला ओटे असला 5 सेकंड और टी इज इक्वल टू माइनस 3 सेकंड माइनस 3 सेकंड इज इम्पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव सो दिस इज इम्पॉसिबल तेणु ये कौन है टी इज इक्वल टू 5 सेकंड वैल्यूटा को आम ना तेनालीराम 5 सेकंड नौचे तेनाली आंसर कौन आसा क्वेश्चन रे 5 सेकंड रे आमर कौन से स्टोन टा ग्राउंड को पहुंच नेक्स्ट आम जी थर्ड पॉइंट को सी एम दे वेलोसिटी विथ क्विज द स्टोन विल हिट द ग्राउंड केते वेलोसिटी रे तले वेलोसिटी एठी हमें फाइनल वेलोसिटी काढ तो केते वेलोसिटी रे एटा ग्राउंड को टच करे तले एठी हम कोन करबा सिंपल एठी हम यूज करबा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एही रिलेशन को यूज करके हमें बाहर तले नेक्स्ट देखिया कोन होचे एठी वी टा हमर बा करे जाछि यू जानले माइनस 9.8 प्लस ए टा हला हमर कोन प्लस जी 9.8 टी हमें पाइ सके थे 5 सेकंड मैंने 5 पुट कर दियो चल कहते हैं गला v इज इक्वल टू माइनस 9.8 एट है जब हमारा 49 v इज इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकंड देन हमें हमारे सेकंड प्रॉब्लम को सी अबे हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिबा बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून एट अ हाइट ऑफ 800 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड इफ द बैलून इज राइजिंग विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड एंड फॉलिंग विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड तले एठी हमर कोन होई छी गोटे बॉडी गोटे बैलून नो ड्रॉप होई पड़ला हु हाइट रो नाउ 800 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड रो 800 मीटर ऊपर गोटे बैलून नो गोटे बॉडी को छाड़ी दिया गला तले सेठी हमें कोन करबा ग्राउंड को पहुंचला बेले तार वेलोसिटी केते थबो तेणु कंडीशन कौन थे ना से वेलोसिटी काढ़िया पे जो 80 मीटर पर सेकंड रे राइज करतु को तले केते होबो जो 80 मीटर पर सेकंड रे फॉल करतु को केते होबो तेणु फर्स्ट कंडीशन हम नबा बीट 1 व्हेन द बैलून इज राइज यू टा त मोर केते होबो माइनस 80 मीटर पर सेकंड अपवर्ड मोशन पे वेलोसिटी नेगेटिव नै कारण से एटा धीरे धीरे कमी कमी जो देन ए सी जोल केते ना 800 मीटर आ जी एटी कोन होबो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी डाइट कौन निया जीवो नेगेटिव जे तो राइज करछ से तले जी टा हमरा नेगेटिव आसीबो त एटे हम को इक्वेशन यूज करबा ना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रे हम एठी बी रे वैल्यू पके जे तले हमरो राइज करी हो जी से तो बड़े हमरो से पॉइंट रे हमरो बी रे वैल्यू केते हितो मैंने एटी हम को पिक्चराइज करिवो पड़िवो जे प्रथम स्टार्ट करिछि पुणी आसी कि एंड करिछि त ए पॉइंट स्टार्ट हे छि ए पॉइंट रे एंड हे छि त गोटे वेलोसिटी रे मोशन करिछि यू वेलोसिटी रे पहुंचला बेल को जो वेलोसिटी सेटा हला एटा हला इनिशियल वेलोसिटी एटा फाइनल वेलोसिटी कोन होल ओवर द प्रोसेस पे जे तो एटा
कंप्लीट मोशन निया होजे सेठी आउ प्लस माइनस हमें नबा ने जीरो वैल्यू को ओनली 9.8 प्लस बोली मेंशन करियो तेन वेठी हमें कोन बोलचे बी रा वैल्यू काढबा त हमें गेला बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हम पकेबा माइनस 80 रा होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू 9.8 एस देछ हमर 800 मीटर हम कते आंसर आसीबो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 प्लस 15,680 तेन टोटल हमर आसीबो एठी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22080 तेन तार रूट ओवर नहीं जीवा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 22080 इज इक्वल टू 14.86 मीटर पर सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली 149 मीटर पर सेकेंड फॉलिंग पोजीशन कहो जी माने 800 माने ग्राउंड रो हाइट हो जे हमरो 800 मीटर ए पोर्शन नु हमरो ड्रॉप कराइ जी माने डायरेक्ट गुटे हाइट रो ताको छाडी दे जाय जी तेनो सेठी कोन होबो त हाइट रो छाडी दे जाउ छी हमरो तनो एठी हमरो यू निया जीवो प्लस 80 मीटर पर सेकंड h इज इक्वल टू 800 मीटर और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड ये तो डाउनवर्ड मोशन एटी केवल नहीं आउची तनो जी टा सब बोल के पॉजिटिव रहबो तनो एटी आसला तो इनटू h ल हमरो 800 मीटर तनो एटी हमें आंसर सेम ही पाइबा 148.6 मीटर पर सेकंड और एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 149 मीटर पर सेकंड चले हमर थर्ड क्वेश्चन देखिबा ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकंड फाइंड इट्स एक्सीलरेशन How long does the ball take to cover the second meter of the track? The speed of the ball at the bottom of the track. तो हमें अगर डायग्राम तक करियो, ये इंक्लाइन प्लेन हो ची, बाय इंक्लाइन ट्रैक हो ची, एक बड़े बॉल टे हमारा रोल करा जाओ ची, जो टेला से रोल कर की डाउन को जाओ ची, तो इधर डाउन को जाओ ची, टोटल हला 2 मीटर, इटा हला हमारा 2 मीटर, तबे 2 मीटर जीवा पई लागु छी 4 सेकंड से पचाय छी फाइंड इट्स एक्सीलरेशन तो नामे एक्सीलरेशन बतन पे फर्स्ट पॉइंट रे हमरा छले एक्सीलरेशन देखो एटी जेतो बेले हमें इनिशियली बॉल टा को रोल करबा इनिशियल स्पीड हमर यू थी को 0 तो 0 अछि फाइनल एटी हमें आउट वेलोसिटी पाइबा कोटा जोटा ग्राउंड लेवल तो एटी हमें आउ तो हमारा एस दे दी छि कते 2 मीटर त हमें एटी को रिलेशन यूज करबा ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर त हम एस एच हमरो एस हमरो दे छि 2 मीटर ला 2 यू है ना हमरो 0 इनटू टी प्लस हाफ ए टा हमर काटि बार छि टी स्क्वायर ला हमरो 4 सेकंड त हम टी स्क्वायर एटी होला हम एटी 4 पुट करबा टी इज इक्वल टू 0 इनटू टी 0 हो गेलो हाफ ए 4 स्क्वायर ला 60 ताले हमर केते आ जइबो एटी ए इज इक्वल टू 2/8 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ला बा मीटर हमें लिख परिया केते 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कारण मीटर को हम सेंटीमीटर को 100 मल्टीप्लाई करबा 25 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एटा हमर आसला कोन एक्सीलरेशन देन हमर पूछा छी हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू कवर द सेकंड मीटर ऑफ द ट्रैक से पूछा छी देर तोटा डी 2 मीटर अछि त हम दीटा पार्ट करतो दीटा पार्ट करतो ल एटा हला 1 मीटर एउटा दी 1 मीटर एटा हला आ 1 मीटर से पूछा छी तले बॉल टा एही पोजीशन में थिबो तले एटु सेकंड मीटर टा कवर करिया बे हमहु केते टाइम लागि तनो एबे हम देखिबा एटी पॉइंट रे एटा फर्स्ट पॉइंट ए फर्स्ट पॉइंट रे यू 0 थिला ए पॉइंट रे बतान वी टा केते हो त हम एटी हम रिलेशन यूज कर लेबा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस तले हमर वी काढि रहल छी वी स्क्वायर रहला यू स्क्वायर हमर 0 पुट करबा 2 एस 2 ए रे वैल्यू हम पाइ जके 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त 1/4 इनटू एस हले ए पर्यंत हमर 1 मीटर आछ त मीटर रहला 1 त केते पाइले v is equal to 1/2 रो रूट ओवर 0.5 रो रूट ओवर हमें पाइले तो 1/√3
बाय 1 बाय रूट कते गेलो 0.707 मीटर पर सेकंड एति हमरा चला कोन वेलोसिटी को जगह रे अंतर 1 मीटर क्रॉस कर सेकंड इक्वेशन में बा सेकंड क्वेश्चन में हमर पता जे सेकंड मीटर ता पर 1 मीटर टा क्रॉस करबा पई तब केते टाइम लागबो तनो बतवान एति कमर टाइम बाहर करिया पई वी दे छि केते हमर एटी पाई गेला में केते 1 बाय रूट 2 मीटर पर सेकंड और 0.707 मीटर पर सेकंड वी पाई गेले तो बताना हमें कौन गाड़ी ना ए सी चल भी यूटी प्लस आप इट स्क्वायर यूज करके हमारा टाइम टेबल गाड़ी ना इटे वी टक हमें इनिशियल वेलोसिटी ना कारण से उड़ स्टार्टिंग पॉइंट ना होता तो ना सेकंड तरह हम कौन गाड़ी ना ए सी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ए स्टाम हमारा लगा 1 मीटर यू टी जगह रे यू जगह रे हमें ये वैल्यू टा पुट करियो 0.707 और 1/2 टी टा हमरो काढिबार होची प्लस हाफ ए हेला हमर केते 1/4 एपर मल्टीप्लाई करिबा 8 एटी असल हमर 5.6 टी प्लस टी स्क्वायर तो नेटी असल लगे थे टी स्क्वायर प्लस 5.60 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो यार कैलकुलेशन कले हमें पाइबा टी रो डेटा वैल्यू हम पाइबा जेते टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डेटा वैल्यू हम पाइबा तो एठी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो जो फार्मूला यूज करियो टी इज इक्वल टू रूट रो फार्मूला माइनस में गेले माइनस 5.6 प्लस और माइनस 5.6 रो होल स्क्वायर प्लस 32 बाय 2 ट्रेडी सॉल्यूशन कर लिया हमारा ऐसे वो t इज इक्वल टू माइनस 5.6 रो होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32 तो 32 प्लस 32 इज 64 64 रो रूट ऑफ इज 8 प्लस और माइनस 8 बाय 2 तो एटी हमर नेगेटिव वैल्यू टा निया जेबो कारण टाइम टा के नेगेटिव होने तो एटी हमर ओनली पॉजिटिव वैल्यू टा निया जेबो तो t इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 5.6 बाय 2 तो एटा केते आसीबो 2.4 बाय 2 इक्वल टू 1.2 सेकंड थर्ड बिट कहला द स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक ट्रैक रो पूरा लास्ट को माने हमर एही पोजीशन ने से पचासी वेलोसिटी केते हो लास्ट को और स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक त एटा केमि बाहर करबा तनु एटी हमें आंसर करिया पे यूज करिया कौन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तनो बी टा हमर लास्ट हमर ग्राउंड रे जो वेलोसिटी थबो यू टा हला इनिशियल पॉइंट रे जो टा हमर 0 0 रो स्टार्टिंग कराइतला तनो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 2x रो रूट ऑफ 2 1/4 एक्सेलरेशन होला हमर 1/4 ए स्टा हमर केते टोटल डिस्टेंस होसी 2 मीटर तनो एटा गेला 1 1 रूट ओवर केते हे जबो 1 मीटर पर सेकंड बा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड तो सेंटीमीटर करले एटा हमरा जबो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड के हला हमरा थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट हम जबा फोर्थ क्वेश्चन जबा फोर्थ क्वेश्चन को भी ए बॉडी एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली कवर्स 2 सक्सेसिव किलोमीटर्स इन 30 सेकंड एंड 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एट इट्स इनिशियल स्पीड तले कौन करिवे दीट टोटल हमर पाथ होची 2 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर जीवा पई ताकु नेजी जी 30 सेकंड सेकंड किलोमीटर जीवा पई नेजी जी 20 सेकंड तले टोटल 2 किलोमीटर पई हेगला 50 सेकंड तो नेठी हमें कौन करिया पार्ट वाइज हमें स्टडी करियो फर्स्ट किलोमीटर पई हमर टी हे जीवा केते और फर्स्ट किलोमीटर टी इज इक्वल टू 30 सेकंड टाइम ही गेला हमरो 30 सेकंड ए से जो गते हमर जो डिस्टेंस टा गते 1 किलोमीटर और 1000 मीटर तले हमें को इक्वेशन पकेबो ए से इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तले ए से जो गते 1000 इज इक्वल टू u into t हला हमर 30 सेकंड प्लस हाफ a 30 रो होल स्क्वायर तले एठी हमर को इक्वेशन टाइप रो मिलिवो तो एठी आसी गेला के देखो
ये हला 1000 इज इक्वल टू 30u प्लस 82 आम कैंसल आउट कले आम पाइबा के 450a तेल बोथ साइड रु जीरो कैंसल कले आम आसीजो के 3u प्लस 45a इज इक्वल टू 100 तेनालीटा आम इक्वेशन वन ये हला फास्ट किलोमीटर जदि फास्ट 2 किलोमीटर पर ना तेल के हम फॉर फास्ट 2 किलोमीटर मान पूरा टोटल जितकी डिस्टेंस देख फॉर फास्ट 2 किलोमीटर कहीं कहते हम इक्वेशन से बाहर करते थर्टी प्लस 20 इज इक्वल टू 50 सेकेंड एस हमर के 2 किलोमीटर और 2000 मीटर तेणु ये आसीगला सेम फर्मूला पकेबा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ताले केते आसीबो 2000 यु इंटू टी हेला हमर 50 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आम कैसे पुट करवा 50 होल स्क्वायर ताले ये हमर इक्वेशन दबो 200 इज इक्वल टू 5u प्लस 125 इक्वेशन बर्तमान ये दुटा इक्वेशन दुटा लिनियर इक्वेशन भाया देखा दुटा भेरिएबल को लेकिन जमी लिनियर इक्वेशन आमर आम पढ़ीजे सेकेंडरी लेवल से टाइप इक्वेशन एटा देखा बर्तमान ये दुटा इक्वेशन आम सल्यूशन काढ़ा केमी काढ़ दुटा को आड कर सपरेट कर तेनालीराम कौन कर दुटा इक्वेशन को लेकिन आम तार सल्यूशन तेल कौन करा सब्ट्रैक्शन रूल यूज करवा 200 इज इक्वल टू 5u प्लस 125a नेक्स्ट इक्वेशन आम 100 3u प्लस 45a तेनालीराम जमी गोटे भेरिएबल आम कैनसल आउट हो तेनाली कौन कर 3 मल्टीप्लाई कल सब थे 3 मल्टीप्लाई कले 15u एटी आस 375a देन माइनस जो 100 अच्छी से कौन कर 5 मल्टीप्लाई कर 5 इंटू 100 इज इक्वल टू एटा हो 15u प्लस 225a माइनस कले गुटा सब साइन चेंज हो गला 600 माइनस 500 यहाँ कैनसल हो गला ये आसला 158 दिस इम्प्लाइज 100 इज इक्वल टू 158 ए इज इक्वल टू 100 बाय 150 जीरो जीरो कैंसल एट आसो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन मिलगला ए इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बर्तमान जेको गोटे इक्वेशन आम ए रैल्यू पुट करदे आमर यू रैल्यू आस पुटिंग ए इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एनी इक्वेशन मुझे इक्वेशन वन में पुट कर पुटिंग ए इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन वन ये कौन बाहर 100 इज इक्वल टू 3u प्लस 45 इंटू ए जगह पुट कर 2/3 ये कैनसल कले आसा 15 इंटू 2 हो 30 3u इज इक्वल टू 100 माइनस 30 यहाँ आसा 70 दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 70/3 मीटर पर सेकेंड तेनाली आम पाइल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी ये पाइल एक्सीलरेशन तेणु क्वेश्चन जहाँ आम नीड था पाइल तेनालीर कौन फोर्थ क्वेश्चन एवं आम फिफ्थ क्वेश्चन को जी तेज फिफ्थ क्वेश्चन देखा ए बॉडी डिस्क्राइब्स 10 मीटर इन द थर्ड सेकंड एंड 28 मीटर इन सिक्स सेकंड ऑफ इट्स मोशन इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट गो इन द सेवेन सेकंड आमर ये दुटा
सिचुएशन दिखाई थर्ड सेकेंड रे गोटे मोशन गोटे बॉडी रो मोशन थर्ड सेकेंड रे 10 मीटर से जाए सिक्स सेकेंड रे देखाई से 28 मीटर जाए से पचार सेभेन सेकेंड रे केते हबो जदि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करतो तले एठी हम को रिलेशन यूज करबा एठी हम यूज करबा जोटा हमर पढतले एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 टू एन माइनस 1 ए रिलेशन को हम एठी यूज करबा तेणु ये आम क्वेश्चन अनुसार एस थर्ड दे एस थर्ड इज इक्वल टू 10 मीटर चलो ये गोटे रिलेशन आम पाइज एस थर्ड जो 10 है 10 इज इक्वल टू यु प्लस ए बाय 2 टू इंटु 3 माइनस 1 चलो ये पाइबा 10 इज इक्वल टू यु प्लस 2 इंटु 3 6 माइनस 1 5 5 बाय 2 ए तेनाली इक्वेशन 1 ये नेक्स्ट एस थर्ड पर कौन दी एस सिक्स एस सिक्स के 28 मीटर जोटा हम कम लिखिपर यु प्लस ए बाय 2 टू इंटु 6 माइनस 1 टू इंटु 6 माइनस 1 कले के 11 जोटा आम आसगला 28 इज इक्वल टू यु प्लस ए बाय 2 आम एटा लिखिपर u प्लस 11 बाय 2 ए ये हला हमर इक्वेशन बर्तन एटी हमर दुटा लिनियर इक्वेशन आसीगला तेणु बर्तन आम कौन दरकार सी पचार सेवेन सेकेंड रे सी केते मोशन करथु केते डिस्टेंस मोशन करथु तेणु एटी हम प्रथम कौन करू फास्ट दुटा इक्वेशन को आम सल्व करें इक्वेशन 1 आउ 2 तेणु आम सब्ट्रैक्ट कर सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 ताले कौन पाइबा एटी 28 माइनस 10 इज इक्वल टू यु प्लस 11 बाय 2 ए माइनस यु माइनस 5 बाय 2 ए तो एटी यु यु कैंसिल हो गेला 28 माइनस 10 गले आसी गेला केते एटी हमरा 10 दिस इज इक्वल टू 11 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 एटा हेला केते 6 बाय 2 माने 3 ए दिस इंप्लाइज a is equal to 10 by 3 meter per second square तेणु आम ये ए पाइल तेणु ये लिनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रूल अनुसार आम गोटे वेरिएबल पाइले जेकोसी गोटे इक्वेशन में पुट करते आर वेरिएबल टा बाहर तेणु आम कौन कर वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करदे इक्वेशन 1 आम के 10 इज इक्वल टू यु प्लस 5 बाय 2 10 इज इक्वल टू यु प्लस 5 by 2 into 10 by 3 तो एटी कैंसिल आउट हो 5 25 by 3 दिस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 10 माइनस 25 by 3 एटा इज हमर के 5 by 3 मीटर पर सेकंड तो u पाइले हम केते 5 by 3 मीटर पर सेकंड u मिली गला a भी मिली गला तले इटू 1 by 2 में छोड़ दी छे 1 by 2 ये गले एटा के तेज आमर 5 by 6 plus 130 by 6 LCM ने जीवा S7 is equal to 135 by 6 Now last question को चीए ball is dropped from the top of the tower 980 meter high तो ना मैं draw करी रहा हूँ tower ये टाइप रहा हूँ total ground रू तारा height हो जी 980 meter तेणु ये गोटे बल अच्छे ये बल्टा तल को ड्रप कर यार 5 सेकेंड पर 5 सेकेंड लेटर ये सॉट इज फायर्ड वर्टिकली 5 सेकेंड पर आम ये गोटे वर्टिकली गोटे सॉट को फायर कर सी जमी बल सहित स्ट्राइक कर जो पॉइंट स्ट्राइक कर पॉइंट रे पोजिशन एज से हाइट आम कैलकुलेसन कर फाइंड आउट कर टाइम से हिट कर बल को सहीटा आम कैलकुलेसन कर तेणु एटी आम कौन करवा प्रथम से पोजिशन गोटे इक्वेशन बाहर करेंगे जो सीजन टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करेंगे तेनाली बल्टा जो डाउनवर्ड मोशन करक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस एस जगह आम लिखा एच से ही पॉइंट से आँची थी सर्ट पाखे यूटी यु जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो तेनाली टर्मटा जीरो रहा हाफ ए टी स्क्वायर जेहतु डाउनवर्ड मोशन कर जीटा पॉजिटिव
T80 हम कहते ना 5 सेकेंड पर सर्ट स्टार्ट ताने ये जो समय हिट कर टाइम के टी माइनस फाइव टी प्लस फाइव ना हिट हम टी माइनस फाइव रोल स्क्वायर कैटे आसगला के एज इज इक्वाल टू 9.8 बाई टू को आम नहीं चाहते 4.9 बात आम फाइव लिखिपर टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 25 दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 125 आम इक्वेशन वन नेक्स्ट आम इक्वेशन पढ़ा सॉर्ट पैंट जो इक्वेशन पढ़ते से सेम इक्वेशन पकड़ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस इम्प्लाइज एस राशि एच से सेम पॉइंट से हिट कर एच इज इक्वल टू एटी यूटा गिवन दे 49 टी रहा अनोन एटी जेहतु आम अपवर्ड मोशन करे आमर ये जीटा हो माइनस माइनस हाफ इंटु 9.8 टी स्क्वायर तो ये आम इक्वेशन केमती आस इज इक्वल टू 49 टी माइनस 5 टी स्क्वायर 9.8 बाई टू 4.9 जोटा आम 5 टी स्क्वायर नहीं यस टू बर्तमान इक्वेशन वन आउ टू रु आम रिलेसन काढ़ टी रैल्यूटा आम कैलकुलेसन कर इक्वेशन वन आउ टू को आम सब्ट्रैक्ट कर दे सब्ट्रैक्ट कले के हम सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रम टू ताले एच एच कैनसल हो लेफ्ट साइड रु तुम जीरो इज इक्वाल टू इटी आस मोर के 10 टी स्क्वायर माइनस 98 टी प्लस 125 तेनालीटा आम इक्वेशन आसीगला तो आम सिक्वेन्स लिखेद 10 टी स्क्वायर माइनस 98 टी प्लस 125 इज इक्वल टू जीरो बर्तमान ये आम सल्यूसन सॉल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट फॉर्मूला पकेगी टी इज इक्वल टू माइनस 9 पॉइंट माइनस बी एटा गला प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज 98 रो स्क्वायर इज 9604 आ एटा इज मारो 4 एसी 4 इनटू 10 इनटू 125 इट इज 5000 बाय 2 इनटू 10 20 तो यार आंसर आसी जीवो डी टा आंसर हमर आसीबो टी इज इक्वल टू 30/20 और टी इज इक्वल टू 168/20 तो ये आम स्मॉल टाइम होटा को आम नहीं पारा ना आटा तेणु आम यही टाइम टाक ना टी इज इक्वल टू 160/20 जो आम 8.4 सेकेंड तेणु दीटा टाइम नहीं पार कि दीटा टाइम तो पॉसिबल नुह कारण ये जब टी आम नौचे 30/20 तेल यहाँ हो 1.5 आउ टी प्राइम तेल के टी माइनस 5 जोटा 1.5 माइनस 5 कले यहाँ नेगेटिव आसूस जोटा कि पसिबल नुह से आम ये नौचे 8.4 सेकेंड तेणु यहाँ है आम दरकार नहीं केवल यहाँ को ना 8.4 सेकेंड को बर्तमान ये 8.4 सेकेंड टी बाहरीगला तेल कौ टाइम मीट करेंगे यहाँ जना पड़गला टाइम ऑफ कोलिजन जो मैंने कोलाइड करेंगे सहीटा लगे 8.4 सेकेंड बर्तमान पचार वेयर कौटी ना जेकोसी गोटे इक्वेशन में एस रो इक्वेशन पाइले से टाइम टाक पुट करदे आम इक्वेशन वन में पुट कले एच इज इक्वल टू होते आम हाफ जी इंटू टी माइनस 5 रो होल स्क्वायर तले ठीक है तेरे सिवो 4.9 बाय 2 इनटू टी एला 8.4 माइनस 5 रो होल स्क्वायर तो 4.9 बाय 2 ठीक है तेरे जो हमें ये टू अप्रोक्सीमेट सॉरी ये 9.8 बाय 2 ये गले हमारे टू अप्रोक्सीमेट लेस हो गए तो 5 इनटू ये टाइला 3.4 रो होल स्क्वायर जोटा कि हमारे आंसर आज 57.8 मीटर तेणु मोर टाइम ऑफ कोलिजन गला के 8.4 सेकेंड
पोजीशन ऑफ कोलिजन को पोजीशन ने बा को हाइट रे से माने कोलाइड करे पोजीशन ऑफ कोलिजन हिट करबो जो पोजीशन ने सेटा आला 57.8 मीटर। तने ये आला आज हमरो तो भी काइनेमेटिक्स ऊपर एक प्रॉब्लम तो आज भाई एतिके। चैनल टी भल लगे लाइक सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ आउ कमेंट करूँ जदि किसी भी भितर डाउट बा किसी न्यू सजेसन दबार अच्छे जो भिडटा केमती कराइए कमेंट करूँ आउ भल लगे सब्सक्राइब कर से बेल बटन को दबाई दिंतु न्यू नोटिफिकेशन पे। थैंक यू।